जय हिंद बच्चों, कक्षा सातवीं की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तिका हिंदी व्याकरण वाटिका के पहले पाठ के दूसरे भाग में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, पहले भाग में हमने भाषा पढ़ा कि भाषा किसे कहते हैं, फिर हमने यह पढ़ा कि भाषा को अभिव्यक्त करने के कौन कौन से दो रूप सबसे ज्यादा मान्य है और प्रचलित है। तो भाषा के दो रूप कौन कौन से हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक रूप कौन सा होता है, लिखित रूप क्या होता है, ये हमने पढ़ा। फिर इसके बाद हमने इन दोनों रूपों का महत्व पढ़ा। फिर हमने इसके अन्य तीन रूप जो है, जैसे मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, इसे पढ़ा। फिर संकेत भाषा के रूप में किस प्रकार भाषा का इस्तेमाल होता है वो पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने यह पढ़ा कि संविधान ने किन 22 भाषाओं को मान्यता दी है वह पढ़ा। ठीक है, तो ये 22 भाषाओं को आपको याद कर लेना है। उसके बाद हमने लिपि पढ़ा कि लिपि किसे कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमने ये इन इन भाषाओं की लिपियां पढ़ी। इसके बाद हमने बोली पढ़ा। ठीक है बच्चों, और बोली के साथ साथ हमने यह भी पढ़ा कि ये कुछ हिंदी की प्रमुख बोलियां जो पश्चिम, पूर्व, उत्तर और दक्षिण में बोली जाती है। ठीक है, ये सब आपको याद करना है। आज इस भाग में हम पढ़ेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस भाग में हम पढ़ेंगे कि ग्रामर किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जैसे जैसे भाषा का डेवलपमेंट होता है, भाषा का विकास होता है, वैसे वैसे उसके संबंध में कई आवश्यक नियमों की स्थापना की गई। ठीक है, जैसे जैसे भाषा आगे बढ़ी, ठीक है, भाषा का विकास हुआ, तो इसके लिए बहुत सारे नियम बनाए गए। जैसे सबसे पहले तो लिखने के लिए, ठीक है, भाषा के मौखिक रूप को लिखित रूप में बदलने के लिए लिपि बनाई गई। फिर लिपि के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए। हर भाषा में उसके अपने नियम होते हैं, यदि नियमों का पालन नहीं किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हाँ बिल्कुल, अगर कोई भी भाषा के अगर हम सारे नियम को नहीं मानते हैं तो फिर उस भाषा का अगर हम कोई शब्द लिखते हैं तो उसका अर्थ ना होके कुछ और ही अर्थ निकल जाता है, मतलब अर्थ का अनर्थ हो जाता है। भाषा संबंधी नियमों की व्यवस्था को ही हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है, भाषा से संबंधित जितने भी नियम होते हैं उसे ही हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, व्याकरण के सहायता से हम वर्ण, शब्द, भाषा, वाक्य के शुद्ध प्रयोग से परिचित होते हैं। मतलब बच्चों, अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो हमें हम यह कह सकते हैं कि जो व्याकरण है वही हमें वर्ण, शब्द, वाक्य को शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाती है। इस तरह हम भाषा को उसके शुद्ध रूप में बोलना और लिखना किसके माध्यम से सीखते हैं, व्याकरण के माध्यम से सीखते हैं। चाय बन रहा है, यहाँ पर क्या लिखा है, चाय बन रहा है, यहाँ पर छात्र पुस्तक पढ़ रही है। अच्छा, आप ये दोनों वाक्यों को पढ़ते हो तो थोड़ा अटपटा लगता है ना, क्योंकि ये गलत है। क्योंकि आप सबको मालूम है कि चाय बन रहा है या गलत है। चाय क्या स्त्रीलिंग है, तो चाय क्या हो रहा है, चाय बन रही है। ठीक है, और छात्र पुस्तक पढ़ रही है, ये भी गलत है, क्योंकि लिंग के अनुसार छात्र पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, तो आपको इसका कैसे ज्ञान हुआ कि यह स्त्रीलिंग है और यह छात्र जो है वो पुल्लिंग है। इसका ज्ञान आपको इसलिए हुआ क्योंकि आपने इसके लिए व्याकरण की सहायता ली। ठीक है, और पिछली कक्षा में आपने व्याकरण पढ़ा है, इस कारण आपने इन गलतियों को, इन अशुद्धियों को पहचान लिया। तो आप अब आसानी से कह सकते हैं कि किसी भी भाषा के सही प्रयोग के लिए व्याकरण का होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या परिभाषा बना सकते हैं कि व्याकरण ही एकमात्र साधन है या शास्त्र है जिसके माध्यम से किसी भी भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम साधारण शब्दों में यह कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है या वह साधन है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि व्याकरण के अंग। ठीक है, तो व्याकरण के कितने अंग होते हैं, तो ये रहा हमारा व्याकरण। तो व्याकरण के कुल 3 अंग होते हैं। पहला अंग होता है वर्ण, दूसरा होता है शब्द और तीसरा होता है वाक्य। ठीक है, तो सबसे पहले हमने व्याकरण समझ लिया, पढ़ लिया। अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं, अक्षर, लेटर। ठीक है, व्याकरण के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। पहला होता है वर्ण विचार। ठीक है, पहला व्याकरण का भाग होता है वर्ण विचार। ठीक है, तो वर्ण विचार जाने से पहले सबसे पहले वर्ण जानते हैं। वर्ण क्या है, वर्ण है आपके अल्फाबेट। जैसे अंग्रेजी में आपने अल्फाबेट पढ़ा, वैसे हिंदी में वर्ण होते हैं। ठीक है, जैसे क, च, ट, त, प, मतलब क, ख, ग, ङ, च, छ, झ, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ळ, त, थ, द, ध, न, प, फ, भ, भ, म, य, र, ल, व, त, ल, व, श, म, ध, न, श, ध, स, ह, अक्ष, त्र, ज्ञ, और कुछ संयुक्त भी है। ठीक है, तो व्याकरण के इस अंग में, व्याकरण के इस वर्ण विचार के अंग में हम क्या पढ़ते हैं, वर्णों या अक्षरों के स्वरूप, भेद, उच्चारण आदि को
पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हम यह जानते हैं भाई कि ये वर्ण कौन सा है, ठीक है, इस स्वरूप मतलब इसको कैसे लिखा जाता है, इसका भेद क्या है, फिर इसका उच्चारण किस प्रकार किया जाता है। तो व्याकरण के पहले अंग वर्ण विचार में हम वर्णों का उच्चारण, वर्णों का स्वरूप, भेद, ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। और अब दूसरा व्याकरण का दूसरा भाग कौन सा है, शब्द विचार, ठीक है। तो वर्ण आपको पता ही है, वर्ण जो होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णों से हम क्या बनाना सीखते हैं बच्चों, शब्द बनाना सीखते हैं। जैसे हमने वर्ण पढ़ लिए, क ख ये सब क से ज्ञा पढ़ लिया, तो अगर हमको शब्द बनाने होते तो हम कैसे बनाते हैं, दो वर्णों वाले शब्द, तीन वर्णों वाले शब्द, ऐसे बनाते हैं ना। तो वर्णों से शब्द बनता है। तो दूसरा व्याकरण का भाग होता है शब्द विचार। तो शब्द विचार में हम व्याकरण के इस अंग में हम शब्दों के रूप, बनावट, भेद, लिंग, इन सब चीजों पर विचार करते हैं, ठीक है। इसमें हम यह देखते हैं कि हम वर्णों से जो शब्द हमने बनाए हैं वो सही हैं कि गलत हैं, ठीक है, वो उनमें कौन से लिंग का, वो कौन से लिंग के हैं, मतलब स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उनकी बनावट कैसी हुई, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। और तीसरा भाग क्या होता है, वाक्य विचार। तो ठीक है, वर्णों से पहले वर्ण आते हैं, फिर वर्णों से क्या बनते हैं बच्चों, शब्द, वेरी गुड। और इसके बाद उसी से हम वाक्य बनाते हैं, ठीक है। तो शब्दों के क्रमवत समूह को हम वाक्य कहते हैं। तो वाक्य विचार या व्याकरण का तीसरा भाग है। तो इसमें हम देखते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के क्या भेद हैं, उनमें क्या क्या संबंध हैं, वाक्य बनाने या अलग करने के ढंग, विराम चिन्ह आदि के विषय में हम पढ़ते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि हर भाषा का अपना व्याकरण होता है, ठीक है। तो आगे के अध्याय में हम हिंदी भाषा के, जो हमारी भाषा है, हिंदी हमारी भाषा है, तो इसकी लिपि देवनागरी है, तो हम इसी के व्याकरण को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा जो हिंदी व्याकरण है बच्चों, उसके कुल कितने अंग हमने पढ़े, कुल तीन अंग, ठीक है। ये रहा हमारा व्याकरण। इसका पहला अंग वर्ण है, दूसरा शब्द है, तीसरा वाक्य है। तो पहला हम वर्ण विचार पढ़ते हैं, इसमें हम वर्णों को समझते हैं। दूसरा हम शब्द विचार पढ़ते हैं, तो इसमें हम शब्दों का बनावट, रूप, लिंग, ये सब पढ़ते हैं, भेद। और तीसरा हमारा आता है वाक्य विचार, तो इसमें हम पढ़ते हैं कि भाई वाक्य कैसे बनाए, उसके क्या भेद है, उसके क्या संबंध है, ठीक है, उसमें कौन कौन से विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो दूसरे भाग में यहाँ पर हमारा यह पूरा पाठ समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो अब आइए इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, ठीक है बच्चों। पहला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा भैया, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाव विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, जैसे पत्र लिखना, भाषण देना। भाषा की अभिव्यक्ति किन रूपों में होती है, तो भाषा की अभिव्यक्ति से मतलब कि भाषा को हम किन दो रूपों में प्रकट करते हैं। तो भाषा को मुख्य रूप से दो रूपों में प्रकट करते हैं, एक लिखित और एक मौखिक। मौखिक तो लिखित में क्या करते हैं, लिखकर और पढ़कर अपनी भाषा को प्रकट करते हैं, और मौखिक में बोलकर या सुनकर, ठीक है। और इन दोनों के अलावा भी एक सांकेतिक भाषा भी होती है जिसका प्रयोग बहुत सीमित है। अच्छा, हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, तो हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया, ठीक है। बोली किसे कहते हैं, किन्हीं तीन बोलियों के नाम लिखे, तो बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। और हिंदी की कुछ प्रमुख बोलियां हो गई, हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, राजस्थानी आदि। वैसे तो आपसे तीन ही पूछा, तो आप तीन ही बताइएगा। लिपि किसे कहते हैं, हाँ तो मौखिक भाषा को जिन ध्वनि, मौखिक भाषा की ध्वनि को जिन चिन्हों के माध्यम से हम स्पष्ट करते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। संस्कृत और पंजाबी भाषा की लिपि, तो संस्कृत की लिपि देवनागरी है और पंजाबी की गुरुमुखी है। व्याकरण पढ़ने के लाभ बताइए, तो व्याकरण पढ़ने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आपको क्या क्या लाभ है, तो भाई व्याकरण पढ़ने से हमें शुद्ध भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और समझने का ज्ञान होता है। अच्छा, व्याकरण किसे कहते हैं, तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। साहित्य किसे कहते हैं, तो साहित्य के लिए, अच्छा बच्चों, अगर साहित्य को एक पंक्ति में अगर हमको बोलना है कि साहित्य किसे कहते हैं, तो साहित्य को हम, साहित्य जो है वो समाज का दर्पण होता है। साहित्य के माध्यम से हम अपनी देश, संस्कृति, इसके इतिहास को जानते हैं, ठीक है। व्याकरण के मुख्य रूप कितने माने गए, तो व्याकरण के मुख्य रूप तीन माने गए हैं। कौन कौन से, तो एक वर्ण विचार है, एक शब्द विचार है, एक वाक्य विचार है। समझाना है आपको, तो भाई वर्ण विचार में हम वर्णों के विषय में जानते हैं, शब्द विचार में शब्दों के विषय में, और वाक्य विचार में वाक्यों के विषय में। अब यहाँ पर आपके ये पुस्तक अभ्यास है, तो ये मैंने देखिए यहाँ पर फिल कर दिया है कि अंग्रेजी की लिपि रोमन है, उर्दू की लिपि फारसी है, रेडियो पर जो कार्यक्रम सुनते हैं वो मौखिक रूप है, छत्तीसगढ़ी एक बोली है, बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होती है, हिंदी का को राजभाषा की मान्यता कब मिली, 14 सितंबर 1949 को, ठीक है। 11वां प्रश्न है, यहाँ पर नीचे लिखे गए वाक्य को पढ़ना है और सही गलत पर निशान लगाना है। कई देशों में कोई भी भाषा का प्रयोग नहीं होता, गलत। व्याकरण
के तीन से ज्यादा अंग होते हैं ये भी गलत। व्याकरण से हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है सही। ध्वनि चिन्हों के निश्चित व्यवस्था को लिपि कहते हैं सही। रूसी भारत की भाषा है गलत, ये तो रूस की भाषा है। आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है सही। ठीक है, और इस पाठ में आपको एक असाइनमेंट करना है, वो है कि ₹500 का नोट आपको एक देखना है और उस पे अंकित भाषाओं के नाम पता करके आपको लिखना है। ठीक है, कितनी भाषाओं में उसमें ₹500 लिखा रहता है वो सब आपको पता करना है और लिखना है। ये आपके व्याकरण का असाइनमेंट। अच्छा बच्चों, मैं बता दूं कि हिंदी का असाइनमेंट आपको हिंदी की फेयर कॉपी में करना है, हिंदी व्याकरण का असाइनमेंट आपको हिंदी व्याकरण की फेयर की कॉपी में करना है। ठीक है बच्चों, तो अब आपका यहाँ पर पाठ समाप्त होता है और मैं आप लोगों को सारे प्रश्न उत्तर और ये बुक वर्क के पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है बच्चों, नमस्ते, जय हिंद।